दोस्तों यदि आप यह प्रयोग करेंगे तो आप गर्मियों के हीट स्ट्रोक, लू का असर, चिड़चिड़ापन, दिमाग में बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होना, हैप्पीनेस हमारी ख़त्म होना किस तरह पा सकते हैं, आज आपको हम ये इसका प्रयोग बताएंगे। दोस्तों प्रणाम, आज आपको बताएंगे गुलाब के बहुत ही चमत्कारिक फायदे के बारे में। और गुलाब एक सौंदर्य का प्रतीक है, और गुलाब के बारे में कौन नहीं जानता। अक्सर जब कभी बहुत आदमी प्रसन्न और हंसता हुआ हो, उसके चेहरे पर अलग ही ओज नजर आता हो, तो यही सुनने को मिलता है कि तेरा चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह खिल रहा है। गुलाब सौंदर्य के साथ साथ शरीर में शीतलता प्रदान करता है, और गुलाब के औषधीय फायदे भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले फायदा मैं आपको बता रहा हूँ गुलाब जल के बारे में। जिस आदमी की आंखों में बहुत जलन रहती हो, उसको नियमित रूप से यदि गुलाब जल का प्रयोग करें, अपनी आंखों में दो दो तीन तीन बूंद दिन में दो तीन बार गुलाब जल डालता रहे, उसको कभी कोई बीमारी नहीं ग्रसित करती। अक्सर मार्केट से हम गुलाब जल लेकर के आंखों में डालते हैं, जो कि बहुत फायदा हमको नहीं देता। गुलाब जल जब मार्केट से खरीदते हैं तो नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा रहता है नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी कि वह प्योर गुलाब जल नहीं है, उसके अंदर सेंट है। यदि आप खुद इसको बनाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। असली गुलाब जल में बहुत हल्की खुशबू गुलाब की आती है। गुलाब की पंखड़ियाँ ले लें, लगभग आधा किलो, उसको रात को पानी में भिगो दें। प्रातःकाल उसको भिगो पानी के साथ कुकर में रख दें, और उस कुकर को हल्की आंच पर हम चढ़ा लें। उस कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद उसकी विसल निकाल दें, और उसका जो ऊपर का पाइप होता है उसमें एक प्लास्टिक का पाइप हम लगा दें, रबड़ का पाइप लगा दें। हल्की आंच पर देने पर जब उसकी वाष्पीकरण होगा तो उसकी भाप ड्रॉप बाय ड्रॉप पाइप में जा करके बूंद बन करके पानी बन करके हम किसी बर्तन में उसको इकट्ठी कर लें, यह हमारा प्योर गुलाब जल है। और इस गुलाब जल को आंखों में डालने के लिए बहुत अच्छी बात कहिए, भुनी फिटकरी लीजिए जल गुलाब में घोल, जलन और जाली मिटे सदगुरु के यह गोल। यदि हम 100 ग्राम गुलाब जल में चुटकी भर लाल फिटकरी डाल करके अपनी आंखों में डालें तो आंखों की जलन, जाला और रोई यदि उसमें आ रहे हो तो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, और हमारी आंखों में आई साइट तो बढ़ती है, जलन इत्यादि बिल्कुल समाप्त होने लगती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की आंखों की ज्योति डाउन होने लगती है, जरा सा पढ़ने पर देखने पर आंख मलने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग अक्सर है, उनको जरूर करना चाहिए। दूसरा गुलकंद। गुलकंद मार्केट से हम अक्सर लेते हैं, इसमें लोग प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत ज़्यादा मिला देते हैं। आपने कुछ नहीं करना, घर में ही इसको बनाना है। आप 500 ग्राम गुलाब की ताजी पंखड़ियाँ ले लें, फूल ले लें, उसमें से पंखड़ी निकाल लें और वेस्टेज उसका हटा दें। साफ पंखड़ी होनी चाहिए, जितनी उसकी पंखड़ी हो, यदि आधा किलो पंखड़ी है तो आधा किलो ही आप इसमें मिश्री मिला लें और उसको किसी कांच के बर्तन में रख दें, और उस मर्तबान को 2 से 3 दिन धूप दिखा दें। तो धूप दिखाने के बाद यह गुलाब की पंखड़ी पानी छोड़ देंगी और हमारा बहुत अच्छा गुलकंद बन जाएगा। आपने सिर्फ यही गुलकंद को प्रयोग करना है। गुलकंद इसके सेवन से सबसे पहला हमको लाभ मिलता है, एसिडिटी हमारी दूर होती है, जो पेट में जलन इत्यादि हो वह नष्ट होती है। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पेशाब में जलन या गर्मी रहती है, पेशाब बहुत गर्म आता है, उनको भी एक चम्मच गुलकंद दूध के साथ या सूखा लेने से बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती हो, पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर रहती हो, उनकी पेट में गैस इत्यादि बहुत उनको सताती हो, डकार बहुत आती हो, ऐसे लोगों को गुलकंद का सेवन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत आ रही हो, आंखों में जलन रहती हो, आईसाइट वीक रहती हो,
उनको नियमित रूप से गुलकंद का एक चम्मच दिन में दो बार जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, ये हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग में गुस्सा या चिड़चिड़ाहट रहती है, जिनकी मेमोरी बहुत वीक रहती हो, अक्सर भूलने की शिकायत रहती हो, दिमाग बहुत ज़्यादा भारी रहता हो, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा यह गुलकंद लाभ देता है। और साथ ही साथ जिन लोगों के मुंह में छाले बहुत आते हो, आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ भी हल्का सा गर्म खा लें, उनके मुंह में छाले इत्यादि बहुत ज़्यादा सताने लगते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा गुलकंद यह फ़ायदा देता है। जिन लोगों को खाज खुजली की बहुत शिकायत रहती हो, जिनको ब्लड प्यूरीफायर की आवश्यकता हो, चेहरा हमारा बहुत ज़्यादा डल रहता हो, कील मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हो, चेहरे पर एक बेजान अवस्था वाली स्थिति रहती हो, झाइयाँ इत्यादि बहुत सताती हो, ऐसे लोगों को गुलकंद का जरूर प्रयोग करना चाहिए। और कई बार हमारा शरीर बहुत ज़्यादा लिथार्जिक रहता है, ऊर्जा की बहुत कमी रहती है, ऐसे लोगों के लिए गुलकंद बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है और न्यूरो सिस्टम हमारा बिल्कुल शांत रखता है। साथ ही साथ बहुत से लोग डिप्रेस रहते हैं, उदासी उनके चेहरे पर, उनके दिमाग पर हावी रहती है, रोने का मन, अकेलेपन का मन बहुत ज़्यादा उनको रहता है, ऐसे लोगों को गुलकंद बहुत फायदा देता है। यदि हम प्रातःकाल गुलकंद का सेवन करें तो जिन लोगों को सिर का दर्द यानी माइग्रेन बहुत सताता हो, ऐसे लोगों के लिए गुलकंद बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ जिनको गर्मियों में आना जाना ज़्यादा रहता हो, लू का असर ज़्यादा रहता हो, शरीर में गर्मी बहुत रहती हो, ऐसे लोगों के लिए गुलकंद बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ किनको नहीं गुलकंद लेना चाहिए, जिनको नज़ला जुखाम बहुत ज़्यादा रहता हो, या प्रेग्नेंट महिला हो, या प्रसूता महिला हो जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, ऐसे लोगों को गुलकंद का प्रयोग बहुत संभाल कर करना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति डायबिटिक हो, उसको गुलकंद का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि कभी हमारी हड्डियों में बहुत दर्द रहता हो, ऐसे लोग यदि गुलकंद को दूध के साथ सेवन करें, कैल्शियम की कमी दूर होती है और हमारी जो नसों में कमजोरी रहती है, दर्द चीसन रहती है, उनको यह प्रयोग बहुत लाभ देता है। इस गुलकंद के अंदर आयरन, विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होने के कारण हमारी हड्डियां मजबूत रहती है, हमको पोषक तत्वों की कमी नहीं आने लगती। साथ ही साथ जिन लोगों का बीपी मेंटेन ना रहता हो, अप एंड डाउन बहुत रहता हो, तो इस गुलकंद में मैग्नीशियम होने के कारण ये हमको बहुत लाभ देता है। तीसरा, इसका प्रयोग है गुलाब का शरबत। यदि कोई व्यक्ति, मैं इतना कहूँगा कि एक बार गुलाब का शरबत का सेवन कर ले, वह उसका दीवाना बन जाता है। और गुलाब के शरबत में यदि हम गुलाब जल के अंदर चीनी की चाशनी लगा करके उसको सिद्ध कर ले, तो बनता है गुलाब का शरबत। एक चम्मच दिन में दो बार सेवन करें, या तो दूध के साथ, या पानी के साथ, या वैसे ही, तो शरीर पूरे दिन हमारा ऊर्जावान बना रहता है। साथ ही साथ हमारा मेंटल स्तर है बिल्कुल मेंटेन रहता है, कभी कोई तनाव नहीं सताता, नींद भरपूर आती है, हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, हमारा पेशाब खुल के आता है, पेशाब में, आंखों में, पेट में, छाती में जो जलन होती है, पित्त की शांति होती है। तो दोस्तों, गुलकंद और गुलाब का शरबत और गुलाब जल, ये सब बने गुलाब से। आपको गुलाब के बारे में आज हमने आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। नई नई जानकारियाँ यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको आप जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब करें, करवाएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन बहुत हो और हम आपको नित नई जानकारियाँ देते रहें। दूसरे सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।